विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास, दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। जाति जनगणना आपके प्रदेश में हम कराएंगे, 2,00,000 सरकारी पद भरे जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में निशुल्क मतलब 100% आपको छूट मिलेगी फीस के भरने के लिए। तो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं वो निशुल्क हो जाएंगी। परिवार सहित 25,00,000 रुपए तक का बीमा और 10,00,000 का दुर्घटना बीमा मिलेगा। ये भी आज कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान में 25,00,000 तक मुफ्त इलाज हो रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना है जो कांग्रेस कह रही है कि करेगी, इसमें कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्कूल में भर्ती होंगे और जो पढ़ाई के लिए जाएंगे उनको हर महीने 500 से लेकर 1,500 रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो स्कूल का सामान है वो खरीदने के लिए। तो देखिए ये थी घोषणाएं। अब घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं, भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने यहाँ, 22,000। कभी उनके नेता आए ना तो पूछ लीजिए किसी को भी 22,000 घोषणाएं अगर याद हो खड़े होके सुना दे, है ना। पब्लिक को तो याद नहीं है, मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके की घोषणाएं होती हैं। वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है, बहनों बताइए 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने, आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है। यहां 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए हैं। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा? बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहाँ, प्राइवेट। प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? कमाई नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मध्य प्रदेश की हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली हैं। अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने किया लगभग। आजकल तो सबसे गरीब से गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे भी मेहनत कर लें, दिन रात खेती में मेहनत कर लें, कहाँ भी कर लें, ये सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोज़गार मिल जाए। यहाँ परिस्थितियाँ ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो। आप भर्ती की परीक्षाएँ देते हो, क्या होता है? घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता। पढ़ते हो, लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता। ये परिस्थितियां हैं। और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी,
बताइए किसानों की आय दुगनी हुई, महंगाई बढ़ी है कि घटी है? अभी धनतेरस था, बर्तन खरीद पाए थे? ये ऐसा होना चाहिए कि त्योहार आ रहा है और घबराहट हो कि भाई त्योहार आ रहा है, लिपाई पुताई करनी है, खाना बनाना है मेहमानों के लिए, पटाखे खरीदने बच्चों के लिए, और घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे? ये परिस्थितियां हो गई हैं आपकी। यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं किया है इन्होंने। किसानों को देखिए, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज पे टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं। आपके कर्ज माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी जी के कर्ज धड़ाधड़ माफ कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ हो रहे हैं। ये परिस्थितियां आपकी। अब किसानों की बात देखिए, यूरिया की क्या हालात है, यूरिया को लेने के लिए या मिलने के लिए क्या हालात है, लंबी लंबी कतार है कि नहीं है? आपको मालूम है गोदाम में यूरिया के बोरे हैं। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने वितरण बंद कर दिया है। अब अखबारों में बहुत चीजें आती हैं, ये मुझे लगा कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए कि मैंने पढ़ा कि इसीलिए बंद किया है इनका वितरण क्योंकि इसमें मोदी जी की फोटो चिपका दी, और मोदी जी की फोटो चुनाव के समय चिपका दी तो चुनाव आयोग ने कहा भाई इस समय आप नहीं बांट सकते। तो किसान त्रस्त है, परेशान है, पूरा सीजन निकल जाएगा, वो खेती में खाद नहीं डाल सकता, वो जाता है खाद लेने के लिए तो या तो खाद मिलती नहीं है या उसे कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज भरो। तो क्या करेगा किसान, महंगाई से परेशान है। जैसे मैंने कहा, डीजल पेट्रोल टैक्स सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, कुछ भी है, उस पर टैक्स है, डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए, ऊपर से खाद नहीं मिलता, तो क्या करेगा और कब तक आप इन परिस्थितियों को सहते रहोगे? आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है, आप जितने भी आपके सपने हैं, आप जो काम करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाह रहे थे, उनको आपको परे करना पड़ रहा है। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए है? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे तो देखो यूपी वालों के, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है, हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं, वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए, काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी,
एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां है यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने लगे। ये है हालात।